हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के लिए होता है, तो लास्ट टाइप बचा है फोर्थ, व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी टाइप हो। अब वेयर वी जो है, या तो वी आइदर बी एक्स टू पावर एम टाइप और कॉस एक्स या साइन एक्स टाइप, ये होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब पी आई निकालेंगे तो पी आई के लिए वही 1/FD ओवर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी। तो रिप्लेस क्या होगा, अब पहले सबसे पहले हम ई टू दी पावर ए एक्स को, जो ये ऑपरेटर है, इससे बाहर ने ले आएंगे। जब ये बाहर आएगा इससे, तो ये फंक्शन ऑफ डी मीन्स ऑपरेटर के फंक्शन में एक चेंज कर जाएगा। क्या, ई की पावर ए एक्स 1/ फंक्शन में जहां डी है, डी प्लस ए हो जाएगा, और ये फंक्शन अब ऑपरेट होगा किस पर, केवल वी पर। वी पर, और v या तो x की पावर m टाइप है या cos x sin x टाइप है, उसका हम मेथड पहले ही डिस्कस कर चुके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से इस सारा प्रोसीजर क्लियर करा रहा हूं। क्वेश्चन इज कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। तो सबसे पहले सी एफ और पी आई निकालना, इट इज एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशेंट। तो ए ई इसका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके रिपीट फैक्टर होंगे 1,1। कोरस्पॉन्डिंग सी एफ होगा 2, रिपीट फैक्टर है तो C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं सी एफ आ गया। तो PI के लिए आप पीआई के लिए वही स्टार्ट करें, पीआई इक्वल्स टू 1/ ऑपरेटर आपका हो गया वो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ओवर, देखते हैं क्या ये है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। तो ई टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक चेंज कर जाएगा इसमें, पहले चाहे तो इसको 1/d-1 का होल स्क्वायर लिख लें ओवर एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब इसको आप ले आए यहां पर ई की पावर 3x, इससे बाहर आकर के d को d प्लस 3-1 हो जाएगा का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर ई टू द पावर 3x डी प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक्स की पावर एम टाइप रह गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर 1 प्लस डी की फॉर्म चाहिए। तो इसमें 1 प्लस डी मीन्स 1 प्लस एक्स की फॉर्म, तो इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आकर के बाहर 1/4 हो जाएगा। ई टू द पावर 3x
अपॉन 4 यहां पर 1 प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप, ये जो ऑपरेटर है ये वाला, ये केवल एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगा, e टू दी पावर 3x बाय 4, इसको आप ऊपर ले 1 प्लस डी बाय 2 होल पावर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर पर अप्लाई हो रहा है, तो d का सेकंड पावर तक एक्सपेंशन हम जानना चाहेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 2x, 2x मीन्स x की वैल्यू है d बाय टू प्लस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स डी बाय टू का होल स्क्वायर, और आगे डी बाय टू का होल क्यूब आएगा, उसके लिए सारी टर्म एच हायर टर्म हो जाएंगी, क्योंकि डी क्यूब अप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर पर तो 0 आंसर आएगा। ये e टू दी पावर 3x बाय 4, ये अगर मैं अप्लाई करूं उस पर 1 माइनस डी और प्लस 3d स्क्वायर बाय 4 प्लस ht ओवर एक्स स्क्वायर, इस पर अप्लाई कर दें तो e टू दी पावर 3x बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये बन जाएगा प्लस के 3d स्क्वायर, जब अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पर तो ये 2 आ जाएगा, तो प्लस के 3 बाय 2, तो ये फाइनल आंसर होगा इसका। तो इसके साथ हम सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, तो फाइनल आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये हो गया जी आपका सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस e टू दी पावर 3x बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाय 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा।